पढ़ती भी मुझे पाड़ा हाँ चप्पल वाला तो आज है मेरा एग्जाम 2 बजे से एंड इस एग्जाम में बहुत मुझे गैप मिला है बट मेरे को नोट्स नहीं मिला. नोट्स 2 दिन पहले ही मिला है एंड बहुत इधर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत लेट नोट्स मिले हैं. सिर्फ 1 दिन पढ़ने के लिए टाइम था. कल मैंने सारा दिन पढ़ा और अभी पढ़ी हूँ. और सुबह सुबह उठकर मैंने कॉफ़ी शॉफ़ी नींद भगाने के लिए कॉफ़ी शॉफ़ी सब कुछ पी लिया. पानी भी लेकर बैठी हूँ कि ये हालत अभी बट कंटिन्यू करते हैं वरना पता नहीं क्या लिखेंगे. और सबसे ज़्यादा और बात नहीं करते पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं. Containing an unconditional order in writing. कैमरा बंद ना होइले पढ़ते पड़ता हूँ. बाय. तो अभी बज रहे हैं सुबह के देखने तो 9:11. तो अभी बज रहे हैं सुबह के चुप. तो तारा स्नान को ही लेना. इसका ब्लॉग मत देखो ये. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:11 एंड अभी मेरा ब्रेक चल रहा है. मतलब मैंने एक बार कवर कर चुकी हूँ सारी पढ़ाई बट अभी रिवाइज देना है. और मेरा दिमाग कह रहा है कि नहीं बस हो गया और नहीं बस. बट अगर नहीं दिया तो मेरा तरफ से 100% नहीं होगा तो कवर देना पड़ेगा. यस मुझसे नहीं हो रहा यार और बट फिर भी देना पड़ेगा. मैंने ब्रश नहीं किया तो उठूंगी ब्रश करूंगी. या मैंने कल सोचा था कि आज सुबह 4:30 या 5 बजे उठूंगी एंड उठकर पढ़ने बैठूंगी तो एकदम टाइम टू टाइम कवर हो जाएगा. बट हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है मैक्सिमम टाइम मैं भूल जाती हूँ. कल भी मैं भूल गई थी अलार्म लगाना 4:30-5 बजे और मैं आज सुबह उठी कितने बजे 6:15 डेली के टाइम पर. और मारने का मन हो रहा था बट क्या कर सकते खुद को तो नहीं मर सकते ना. या उठते यार ब्रश करते तो ब्रेक टाइम चला जाएगा फिर से पढ़ने बैठते. 2 बजे से एग्जाम है 5 बजे को खत्म होने वाले हैं. इधर इनका पढ़ाई चल रहा है. पढ़ाई नहीं असाइनमेंट चल रहा है. ये दिखाना जरूरी था या दीन एक नया काम दिया है. मतलब ये वाले ये जो फ्लावर्स है ना ये मैंने भी देखा है अदर इन्फ्लुएंसर के घर पे. वो काट काट कर रखते हैं पानी में भिगो कर. जी के दिमाग में आया है कि तू भी काट के ले आ हम भी रखेंगे. वो आंटी वो बोतल धोने का काम करे इजी वाला और मेरे को दिया है टफ काम काटने वाला. सॉरी गाइस फुल मिस्टेक वो वाले वो जो है ये वाले. सॉरी गाइस फुल मिस्टेक. तो वही काट रहा है. ये है इसका लुक. पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा एस्थेटिक के लिए. पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा. लो बेसिकली आज मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई प्लानिंग तो था ही नहीं क्योंकि आज है मेरा एग्जाम. एज यू नो मतलब पढ़ाई में सारा दिन बिजी जाएगा तो कहाँ से रिकॉर्ड करूंगी. सब कुछ दीदी वहां से चिल्ला रही है. दीदी और इलना प्रेशर कुकर इधर से चिल्ला रहा है. बट मैंने सोचा दादा पे भी रिकॉर्ड हो रहा है. बट आज का दिन और अभी का त्रिपुरा का मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ऐसा ही चल रहा है. सब लोग अपने एग्जाम्स में है और सबके सिचुएशन सेम है. तो मैंने सोचा चलो बार बार थोड़ी ना करेंगे एक बार ही रिकॉर्ड करेंगे सिचुएशन दिखा देते हैं सब अपना. तो अगर आप स्किल पर
तो गाइस हम बहुत ही हेल्दी खाते हैं आजकल, इतना हेल्दी खाते हैं, इतना हेल्दी खाते हैं। अब मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, इतना हेल्दी खाते हैं। अभी हम खाएंगे ये सब और शाम को हम जाएंगे धर्मनगर जाके खाएंगे। तेल वेल तो लगा लिया, अभी मैं जा रही हूँ दवाई लाने और जीरा लाने। जब भी ब्लॉग करना स्टार्ट करती हूँ तब सब कुछ शुरू हो जाता है आवाज करना। अभी मिक्सर चल रहा है, मिक्सर की बारी चल रही है, पहले प्रेशर कुकर का चल रहा था। तो आज से मेरा दूसरा डॉक्टर का दवाई स्टार्ट होने वाला है, आज से नहीं कल से एक्चुअली। तो इसको देख रहा है ये क्या कर रही है। अभी बज रहे हैं 11:30, तो अभी कपड़े वपड़े ठीक करने हैं, देन ये देर नहा कर रेडी हो जाऊंगी कॉलेज के लिए। या यही है, खान पान भी करनी है, यही है मेरा चल रहा है अभी। खाना पेपे मतलब क्या बोलते हैं, पपाया का भरता और राजमा है शायद, वही खा ठूस कर दवाई खाकर फिर चल जाऊंगी 1:00 या फिर 1:15 को निकल जाऊंगी। अभी शायद डायरेक्ट एग्जाम से आकर ही रिकॉर्ड करूंगी, तो बाय बाय। आपके घर में क्या होता है जब शूज पहनने के बाद ऐसे गिरते हैं और आपकी माताएं आपकी बहनें आपको क्या बोलती है, गाली देती है या फिर मार पड़ती है? मेरे को दोनों पड़ती है। अब इसको ये नहीं गिरना चाहिए था यार, अब इसको साफ करना पड़ेगा। हर वक्त गंदा करने वाली मैं ही हूँ, पड़ती भी मुझे ही। Here is me. जी मेरा तो खत्म, रेडी होना फिर सब कुछ, अभी बस निकलना है। और या बढ़ती गोई ना दसना चलते। चप्पल वॉक चल रहा है गाइस। तो हम गए थे मामरबड़ी तो बांगा में। ओके तो हम गए थे मामरबड़ी दादू के घर, मामा के घर, जो भी है तीन ऑप्शन है, जो एक चुन लो, जो समझ में आता है वही समझ लो। जाते टाइम गए थे आते टाइम भी हमें ऑफर किया गया था कि बाइक से रुको वो ड्रॉप कर देंगे, बट हमने चूज किया हम घर जाएंगे नाइट वॉक करके क्योंकि हमने जो समोसा और केक खाया है उसको भी तो यार इन अ हेल्थ कॉन्शियस ओह माय गॉड। तो यही, और क्यों गए थे हम, क्योंकि अनोखी का बर्थडे था। तो पहले हमारा प्लान था कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर जाते तो वो रुकने के लिए और हाँ और मेरा एग्जाम्स भी है, तो इसी वजह से पढ़ाई करना पड़ता है। हाँ और दादू गए थे हमको लेने, तो लास्ट तक आना पड़ा, और अभी हम नाइट वॉक करके जाते हैं। वॉक करते जा रहे हैं। और आज समोसा मिठाई खाते वक्त बड़ा गिल्टी फील हुआ मेरे को, सीने में ऐसा चुभ रहा था ऑयल और मिठाई जो भी है, क्योंकि इतने दिन से ना मैं सब कुछ कंट्रोल कर खा रही हूँ, मतलब फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, सिर्फ हेल्दी फूड्स, यू नो हेल्थ कॉन्शियस में काट हेल्थ कॉन्शियस में जो भी है तो वही। और आज जब खा रही थी ना, हाय बहुत बुरा लगा यार। बुरा लगा आपको? हाँ, कितना बुरा लगा? वही बहुत सारा बुरा लगा। क्यों लगा? बहुत लगा, मतलब मैं हेल्दी खा रहा हूँ तो इसलिए बुरा लगा। अभी जाकर गाजर काट के खा लूँगी, गाजर काट के खा लूँगी। हाँ सही बोला तुमने, पता नहीं ये वाला पार्ट किधर जाकर प्लस होगा, पर अभी बज रहा है 12:30 और मैं जस्ट अभी सोने जा रही हूँ। As you can see, मतलब पढ़ाई कर रही थी और आज मैं काकमने के घर सो रही थी, यही पढ़ाई कर रही थी। सो या गुड नाइट, कल मेरा एग्जाम है, सुबह 4:00 उठना है, सिर्फ 4 घंटे या 3 घंटे, 3.5 घंटे है मेरे पास।